हिमाचल में मौसम का मिजाज फिर से बिगड़ने वाला है। प्रदेश में 23 जनवरी तक मौसम खराब रखने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। इस दौरान ऊपरी क्षेत्रों में बर्फबारी जबकि निचले क्षेत्रों में बारिश होगी। विभाग की ओर से 21 से 23 जनवरी तक भारी बारिश को लेकर सोलन, शिमला, सिरमौर, ऊना के लिए अलर्ट भी जारी किया गया है। मौसम वैज्ञानिक संदीप कुमार ने बताया कि 20 जनवरी तक प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश की संभावना है। देखिए, जैसे पिछले 24 घंटे की बात करें तो प्रदेश के एक दो डिस्ट्रिक्ट हैं जहां पे हल्की बारिश और बर्फबारी रिपोर्ट की गई है। उसमें जैसे डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति में गोंडला में 3 सेंटीमीटर स्नोफॉल रिपोर्ट की गई है और किन्नौर में भी हल्की बर्फबारी रिपोर्ट की गई है और डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में हल्की बारिश रिपोर्ट की गई है। और जो न्यूनतम तापमान था वो अभी किलोंग में मतलब रिपोर्ट किया गया है -7.2 डिग्री सेल्सियस और मैक्सिमम टेम्परेचर था वो सोलन में 21.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। आने वाले 5 दिनों की अगर फोरकास्ट की हम बात करें तो अगले 3 दिन मतलब 18 से लेके 20 तारीख तक मतलब जो हमारे जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं जैसे लाहौल स्पीति है, चंबा है, कुल्लू है, किन्नौर, यहाँ पे हल्की बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है। फिर 21 तारीख से प्रदेश में एक WDO एक्टिव हो रहा है और जिसके चलते पूरे प्रदेश भर में मौसम खराब रहने की संभावना है और ये जो मौसम है ये 21-22-23 को पूरे प्रदेश में मौसम खराब रहेगा। और जो अलर्ट हमने जो जारी किया है जो हमारे डिस्ट्रिक्ट हैं सोलन, शिमला, सिरमौर और ऊना, यहाँ पे आइसोलेट पॉकेट्स में भारी बारिश होने की भी संभावना है। तो हमारे जो मिड और हाई रिस्क डिस्ट्रिक्ट हैं यहाँ पे रेनफॉल के साथ जो हाई रिस्क है वहाँ पे बर्फबारी होने की भी संभावना है। उस जो इम्पैक्ट है जो पिछले से कंपेयर करें तो कम रहेगा इस WDO का 21-23 तारीख खराब रहेगा। देखिए, जो अभी जो अगले 3 दिनों के लिए टेम्परेचर में कोई ज़्यादा अंतर नहीं आएगा, अभी जो मैक्सिमम टेम्परेचर वो सामान्य से कम चल रहे हैं। 21 तारीख के उपरांत जो डे के टेम्परेचर हैं उसमें फॉल होने की संभावना है, परंतु जो मिनिमम टेम्परेचर होंगे वो 2 से 3 डिग्री राइज होंगे होने की संभावना है। जो फॉग की जो वार्निंग है वो आज मतलब हमें नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए जो डिस्ट्रिक्ट ऊना है, बिलासपुर है, कांगड़ा है और मंडी है, यहाँ पे जो आइसोलेट प्लेसेस में फॉग होने की संभावना है, डेंस फॉग है। विजिबिलिटी जो रिपोर्ट की गई, जैसे जो हमारा जो कांगड़ा एयरपोर्ट है वहाँ 50 मीटर रिपोर्ट की गई विजिबिलिटी और जैसे जो मंडी है, सुंदरनगर है, यहाँ पे जो विजिबिलिटी है जो मॉर्निंग आवर्स में वो 200 मीटर के आसपास रिपोर्ट की गई है। नहीं, जैसे आपका WDO अप्रोच करेगा उस दौरान तो मौसम खराब रहेगा, जैसे वो पास होगा 22-23 तारीख के बाद तब हमारे जो लो हिल्स के डिस्ट्रिक्ट हैं ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा हो गया, यहाँ पे फिर फॉग होने की संभावना है। उज्जवल हिमाचल के लिए ब्यूरो शिमला। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।